14 अगस्त 2020 को ऑपरेशन विजय के राष्ट्रीय अध्यक्ष व अधिवक्ता के पिता सिमंगा सिंह व कई अधिवक्ताओं सहित अज्ञात 45 लोगों के खिलाफ कई धाराओं में दर्ज मुकदमा वापस लेने एवं ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंगल सिंह को पुलिस द्वारा हिरासत में लेने के दौरान वीडियो बना रही प्रियंका यादव एडवोकेट के साथ योगोविंद नगर विकास कुमार पांडे द्वारा मोबाइल छीन कर अभद्रता करने में कार्रवाई हेतु दिनांक 28 अगस्त 2020 को कानपुर के सभी बार एसोसिएशनों द्वारा हड़ताल का फैसला कर संबंधित अधिकारियों को कार्यवाही हेतु ज्ञापन देने का फैसला किया गया है। नौबस्ता पुलिस द्वारा 14 अगस्त 2020 को संजीत यादव अपहरण व हत्याकांड मामले में ऑपरेशन विजय के राष्ट्रीय अध्यक्ष व अधिवक्ता के पिता शिव मंगल सिंह के साथ मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं। पीड़ित परिवार को सांत्वना देने पहुंचे अधिवक्ताओं एवं अन्य लोगों को भारी पुलिस फोर्स के साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने विनम्रता पूर्वक रोकते हुए मुख्यमंत्री से अतिशीघ्र मिलने हेतु लिखित आश्वासन दिया। उसके बावजूद पुलिस द्वारा छल कपट करके ऑपरेशन विजय के राष्ट्रीय अध्यक्ष व अधिवक्ता के पिता सहित कई अधिवक्ताओं सहित 45 लोगों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया। साथ ही दिनांक 25 अगस्त 2020 को ऑपरेशन विजय के राष्ट्रीय अध्यक्ष व अधिवक्ता के पिता को गिरफ्तार करने गई पुलिस की कार्यशैली की वीडियो बना रही महिला अधिवक्ता प्रियंका यादव से भी सीओ गोविंद नगर द्वारा मोबाइल छीनते हुए अभद्रता की गई, जिसकी शिकायत कानपुर बार एसोसिएशन व द लायर्स एसोसिएशन से की गई, जिस पर कानपुर की सभी एसोसिएशनों की संयुक्त बैठक में कल दिनांक 28 अगस्त 2020 को पूरी तरह कचहरी में हड़ताल करने की घोषणा की और नौबस्ता थाने में दर्ज अधिवक्ताओं व ऑपरेशन विजय के राष्ट्रीय अध्यक्ष व अधिवक्ता के पिता शिव मंगल सिंह के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने व सह कानूनी सलाहकार प्रियंका यादव एडवोकेट के साथ सीओ गोविंद नगर विकास कुमार पांडे द्वारा की गई अभद्रता में सीओ गोविंद नगर पर कार्रवाई हेतु ज्ञापन देकर कार्रवाई करने का फैसला किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।